मुझे खुशी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर गुरुदेव जी का और प्रोड्यूसर कमल यादव जी का, और अजय जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे बोला कि सर जी वस्ती के शेर में आपका भी किरदार है और हमारे सामने एक्ट्रेस जी बैठे हुए हैं। सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये एक गाँव की कहानी है और गाँव की कहानी पर ये फिल्म बन रहा है, और एक गरीब लड़का होता है, एक अत्याचारी पुरुष होगा, नाम से स्पष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। तो राहुल किस तरह से इस फिल्म में शेर बनने वाले हैं? वो तो फिल्म जब शूटिंग होगा तभी मुझे पता चलेगा कि किस टाइप का मैं शेर हूँ। मैडम जी, आप सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ रश्मा शेख, और जो ये फिल्म है बहुत अच्छा है, गांव की एकदम कहानी है, एकदम साफ़ सुथरी। जो डायरेक्टर है गुरु जी है, काफ़ी अच्छी उन्होंने पहली बार क्या सॉरी इसकी कहानी बहुत अच्छी है, पारिवारिक, एकदम साफ सुथरी और फैमिली ड्रामा टाइप की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए मुझे पसंद आई। इसलिए मैंने राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे, बस्ती की शेर जो फिल्म का नाम है, क्या ये सच्ची घटना है? ऐसा बस्ती में हुआ है जो बस्ती का शेर ऐसा कोई है जो आप दिखाना चाहते हैं फिल्म के जरिए, पर्दे पर लाना चाहते हैं? सच तो यह है कि पहले के ज़माने में होता होगा, अभी भी होता ही है ना। पहले जब समय था तो उस समय भी हम लोग देखा करते थे क्या, जो बड़े मतलब बड़े लोग सेठ लोग होते थे वो गरीब तबके के लोगों को मतलब अत्याचार करते थे उस पर, तो शायद होगा। तो आप दोनों की जोड़ी किस तरह से इस फिल्म से लोगों को लुभा पाएगी, दर्शकों को? जी, पहले भी लुभा चुकी है, प्लेटफॉर्म 2 में भी दर्शकों ने ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया था, और आगामी हम लोग 5-6 फिल्म एक साथ ही कर रहे हैं, तो इस ये भी फिल्म में हम लोग साथ ही हैं, तो बड़े खुशी की बात है, और दर्शकों को ज़रूर पसंद आई, क्योंकि नाम ही अवस्थी का शेर, अट्रैक्शन होगा, इस टाइटल में अट्रैक्शन है तो अच्छा जाएगा। जब फिल्म की कोई नई कहानी आपके पास आती है तो उसके लिए अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कुछ खास तैयारी करने के लिए भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से बोला जाता है, तो इस फिल्म के लिए भी कोई बदलाव करने के लिए बोला गया इस फिल्म में? अभी तक तो नहीं बोला है। हाँ, ये है कि जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही स्टोरी है, वैसा ही कहानी है, तो ज़्यादा मुझे चेंज करने का नहीं। तो दर्शकों से आप दोनों लोगों की क्या अपील होगी, आपके दर्शकों के बीच फिल्म के बस्ती के शेर से शाम लोगों के बीच आने वाले हैं, तो दर्शकों की एक्साइटेड भी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों को पहले दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही हमेशा आप लोग बनाए रखें, और वस्ती का शेर का फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और 25 अप्रैल से शूटिंग है इसका, और आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद दें इस फिल्म को कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? यही कहना चाहूँगी कि जैसे प्लेटफॉर्म 2 में हमें बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस फिल्म में भी दे, जितना फिल्मों में हम लोग साथ में हैं वैसे ही हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दे कि हम लोग करते जाए। और आज जुड़ के नमस्कार करते हैं, और हमारे प्रोडक्शन है अंबिका एंटरटेनमेंट से, जो हमारे प्रोड्यूस हमको लॉन्च कर रहे हैं, और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। ये फिल्म कैसे मिली आपको? फिल्म एक्चुअली ये लोग कुछ प्लान बना रहे थे आगे करने के लिए, पहले भी फिल्म कर चुके हैं, तो मुझको लेके बोले कि फिल्म करना है आपको, तो मुझे प्रोड्यूस किए लेके आए, बोले कि आपको साइन कराए ऐसा वैसा, तो किए। तो किस तरह के किरदार को आप इस फिल्म में निभा रहे हैं, और आपके लिए कोई चैलेंजिंग है इस फिल्म में किरदार निभाना? एक्चुअली चैलेंजिंग तो है इसमें, और मेरा कुछ अलग है किरदार जो है मेरा, इसमें अलग है, और फिल्म एक्शन और इमोशनल है। रत्नेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का पोस्टर काफ़ी मारधाड़ वाला लग रहा है, और आपका जो आपको जो लोग जानते हैं कॉमेडी के अंदाज में जानते हैं, तो आप इसमें लोगों को कितना हंसाने वाले हैं? सबको नमस्कार, मैं रत्नेश बनवाल बता रहा हूँ, आज फिल्म के मुहूर्त में आया हूँ, जिसका नाम है बस्ती का शेर। इस फिल्म में हीरोइन का जो पिता रहते हैं गोपाल राय जी, और फिल्म में विलन रहते हैं उसी गाँव में, दो लड़ते हैं, दोनों में टसन रहती है, और संजोग से मैं गोपाल राय जी के घर का नौकर हूँ। तो कभी ऐसा मौका आता है जिसमें घर में खुशहाली, हर चीज़ में मैं साथ रहता हूँ। एक बार हीरोइन की किडनैप हो जाती है, जिसको मुझे से पता रहता है, और उसको बताने में, हीरो के पास बताने में मेरी जान चली जाती है। एक तरफ से कॉमेडी भी है, इमोशन भी है, मेरा रोल बहुत अच्छा रोल है। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, बस्ती का शेर? फिल्म का जब टाइटल आपने सुना फर्स्ट टाइम, हाँ, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे भी अच्छा लगा कि बस्ती का शेर, ऐसे तो शेर हर एरिया का अपना होता है लोग, लेकिन इसमें कुछ अलग है, जिससे मतलब दोनों में टसन होती है, सोचता है कि आदमी को कैसे मैं कैसे मार दूँ कि मेरा
चलता रहा आगे, तो उसी गांव में कैसे हीरो की मतलब एंट्री होती है, बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, तो हीरो का हीरोइन का जो पिता था साथ देता उसका, और उसी साथ में उसका जो मेन मिलन था उसका मारा जाता है, खत्म होता है। रत्नेश जी आपसे आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन सी फिल्म? मेरी फिल्म आने वाली है 2019 में कहानी किस्मत की, नाग नागिन की प्रेम कहानी, आग गले लग जा, तीन फिल्में हैं। रेशमा जी के साथ किस तरह से रेशमा जी को जानते हैं और उनके साथ फिल्म करना है तो क्या क्या? इनकी पहली फिल्म थी प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो उसमें मैं नहीं था। इत्तेफाक से इस साल नए साल में इनके साथ एक फिल्म मिली मुझे जिसका नाम नमारजा नदिया पार। तो बाकी तो मैं ऐसे भोजपुरी में जितने भी हीरो हीरोइन करेक्टर आर्टिस्ट टेक्नीशियन जितने लोग सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ, पहली बार है कि नई हीरोइन से मैं काम करने का मौका मिलेगा इस फिल्म में, इसमें ही मिलेगा जिसका नाम है बस्ती का शेर, और नमारजा नदिया पार में काम करने का मौका मिलेगा। तो रेशमा जी को अभी तक आप कितना समझ पाए हैं, जान पाए हैं? ऐसे तो मिलना जुलना हरूज होता है, लेकिन पर्दे पर जब काम करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। डायरेक्टर ये फिल्म जो है कि कुछ हट के रहेगी भोजपुरी फिल्म में, शायद ये ऐसा पहला बार होगा, ये मतलब ये फिल्म सबसे अलग ही टाइप नजर आएगी। कहानी इस कहानी के बारे में पूरा मैं बात नहीं बता पाऊँ अभी फिलहाल में, इसमें कॉमेडी एक्शन और रोमांस ये मतलब तीनों चीज़ें मिलेंगी इस फिल्म में। तो क्या ये सच्ची घटना पर आधारित है या फिर ऐसे? नहीं नहीं सच्ची घटना, ये कुछ साउथ की तरह रहेगी स्टोरी, इसमें कुछ हट के रहेगी। इसके साथ ही फिल्म के पोस्टर में गाड़ी उड़ती हुई नजर आ रही है, पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा है, यहाँ पे शेर आधा नजर आ रहा है, फिल्म के पोस्टर के बारे में बताइए, एक्चुअली ये पोस्टर है क्या? सर पूरा तो खुल के नहीं बता सकते इस फिल्म के बारे में, अभी ओपन कर देंगे कहानी तो अभी उसके बारे में खुल के नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, फ्लोर पर कब से आ रहा है, शूटिंग कब से कर रहे हैं? सर ये 20 अप्रैल से शूट होगा ये फिल्म। किस लोकेशन पे की जा रही है? देखिए बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर और जौनपुर, भदोही, इन इलाकों में होगा। फिल्म के कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से कलाकार हैं जो इसमें नजर आएंगे और फिल्म की कास्टिंग कहाँ तक पूरी हो चुकी है, कलाकार कहाँ तक सिलेक्ट हो चुके हैं उसके बारे में? लगभग आधा से ज़्यादा तो कलाकार इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, हीरो हमारे सामने बैठे हैं, राहुल जी हैं, अजय जी हैं, हीरोइन आपके रेशमा जो सामने बैठी हुई हैं, और हमारे हीरा लाल यादव जी जो है कि विलन की भूमिका में है, और गोपाल राय जी जो इनके पिता के रूप में है। गानों पर कितना ध्यान दिया आपने? गानों में इसमें आलोक कुमार और मोहन राठौड़, इन मतलब ये लोग गाना गाएंगे इस हमारी फिल्म। रिलीज कब तक, मतलब कब तक पर्दे पर लाने का प्लानिंग है और कुछ बताना चाहिए? ये फिल्म जब तक शूट नहीं हो जाती तब तक कुछ अभी बता नहीं पाएंगे। टारगेट होगा ना कि टारगेट तो ऐसे होली को लाएंगे, ज़्यादातर मेरा इरादा है कि जून तक कोशिश करेंगे, जून तक कोशिश में है कि हो जाए तो ठीक है। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को बस यही कहेंगे कि बस इस फिल्म को इंतज़ार करिए और इस फिल्म को जरूर देखिए, ये सबसे हट के कहानी रहेगी इस फिल्म की। बस मैं बहुत खुश है पिक्चर से, क्योंकि मेरे बैनर की पहली फिल्म है, बहुत एक्साइटमेंट है इस पिक्चर में। तो इस फिल्म की कहानी में ऐसी क्या खास बात लगी, क्या इसमें अच्छाई लगी आपको कि आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की सोची? हमारे डायरेक्टर साहब ने जो स्टोरी बताई उसके जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कि मेरे को मेरा दिमाग क्या कि मैं अपने बैनर से फिल्म बनाऊंगा, इसलिए मेरे को ये मैं फिल्म बना रहा हूँ। क्या नाम आपके बैनर का? अभिषेक एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक। फिल्म के स्टार कास्ट पर कितना आपको बिलीव है कि आपकी जो सोच एक अच्छी फिल्म को लेकर वो कितने खड़े उतर पाएंगे? मेरे हिसाब से 100% खड़े उतरेंगे मेरी जो सोच है। इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि आपकी प्रोडक्शन की तरफ से पहली फिल्म है, किस तरह की फिल्में बनाते, भोजपुरी तक सीमित रखेंगे कि बॉलीवुड? मैं भोजपुरी तक सीमित रखूँगा, भोजपुरी फिल्मों पर ध्यान देंगे ज़्यादा। तो आपकी पहली फिल्म थी, लोग बड़े बड़े स्टार कास्ट को जिस तरह से कास्ट करना चाहते हैं, तो आपने शुरुआत की है और फिल्म में लोग जैसे 3 सुपरस्टार माने जाते हैं, तो उन लोगों को ना लेकर लेकर कास्ट करना कोई खास वजह? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारा सोचता मैं उसके ऊपर अपना काम किया। आपका नाम जानना चाहूँगी और इस फिल्म में आप कौन से किरदार को प्ले कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रत्ना रजक है, मैं हीरोइन की फ्रेंड का किरदार। ये फिल्म कैसे मिली आपको? हमारे तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इस फिल्म में काम करने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू।
मार धाड़ वाले सीन नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी की आपने इसकी? नमस्कार, अभी तो तैयारी कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत हुई है, लेकिन पोस्टर में कुछ ज्यादा धांसू दिख रहा है। आपका लू भी काफी खूंखार नजर आ रहा है, बताना बंद नजर लग जाएगी सबकी। और उसके बावजूद एक्शन तो मालूम है कि आर्टिकल में जैसा चलता है वैसे, और अब विलन है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अभी कहानी थोड़ा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन अच्छा है। जैसे कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि आप इस फिल्म में फाइट मास्टर भी है और विलन का किरदार भी निभा रहे हैं, तो दो दो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दो दो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफ़ी पिक्चर कर चुका हूँ तो इसलिए हमको ईजी लगता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। और कमल जी तो इनको भी हम ही को संभालना पड़ेगा कि आराम से, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, फिल्म में कुछ नए कलाकार भी है तो उनके उनके साथ एक्शन करना कितना आपके लिए मुश्किल था, कितना सेफ्टी का ध्यान देते हैं आप? देखो काफ़ी जो हीरो रहते हैं स्टार लोग, वो काफ़ी पिक्चर किए रहते हैं तो उनको सब थोड़ा बताना पड़ता है कि वो लोग पकड़ लेते हैं, बाकी नए लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वो लोग कभी एक्शन नहीं किए रहते तो उनको रिहर्सल करना पड़ता है, तो बाकी हमको करा लेते हैं सबसे, कोई उतना वो नहीं है, दिक्कत करती है। आपकी नज़र में बस्ती का शेर कौन है, भोजपुरी सुपरस्टारों की बात करें तो? भोजपुरी सुपरस्टार अब तो निरहुआ, दिनेश और पवन में जानना चाहेंगे, अगर तीनों में बस्ती का शेर जानना चाहेंगे तो कौन होगा आपकी नज़र में? ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, भले से बाकी सभी शेर है अपने आप को। इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये अजय जी हैं जो इसमें लीड कर रहे हैं और ये रश्मा जी हैं इसमें, ये दोनों जन की जोड़ी पहली बार आ रही है तो हम तो सोचेंगे कि अच्छे काम करें, और इसमें मेन विलन तो मैं ही हूँ, लगता है कि लोगों को भंग करने वाला मैं ही रहूँगा, लेकिन अच्छा मजा आएगा और अच्छा काम होगा। तो आप एक्शन मास्टर भी हैं तो इन दोनों लोगों से एक्शन कराने के लिए कितने तैयार हैं आप? कोई बात नहीं, हम इनसे प्रैक्टिस करा के हम करा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इनके भोजपुरी दृष्टि के भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? हम तो सोचेंगे माता रानी इनको दिन रात चौगुनी बढ़ाए, ऐसे पिक्चर में पिक्चर बनाते रहे और हीरो बनते रहे, स्टार बनते रहे, स्टारों में मजा लेते रहे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, हीरा जी ने आपकी तारीफ की भोजपुरी? सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं हमारी ये दूसरी फिल्म है और जिसमें भैया हैं हीरा जी, फाइट मास्टर और विलन भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे फिल्म में भैया है तो अच्छा लग रहा है मुझे। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी विजय जी है जो पहली बार इनके साथ मेरी जोड़ी आने वाली, वैसे राहुल जी के साथ हमेशा मेरी जोड़ी है, अब नई जोड़ी दिखेगी, लोगों को काफ़ी पसंद आए यही।